उससे पहले एक खबर का रुख करते हैं। हरदा हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हुई है। 8 साल के बच्चे की इलाज के दौरान दुखद मौत हुई है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, ब्लास्ट के दौरान बच्चा खेल रहा था। ये आंकड़ा बढ़ गया है, 13 पहुंच गई है मृतकों की संख्या। दुखद खबर। अभी भी कई ऐसे घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है घायलों के बेहतर उपचार के लिए। अब्दुल समद ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अब्दुल, दुखद खबर, मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब आंकड़ा पहुंच रहा है 13। अभी तक जो है 12 लोगों की इस मामले में मौत हो हुई थी। अभी आज जो है एक 8 वर्षीय बालक जिसको एम्स में जो है एडमिट कराया गया था उसकी जो है मौत हुई है। ऐसे मिलाकर अब तक 13 लोगों की इस भीषण हादसे में मौत हो चुकी है। बिल्कुल, ये दुखद खबर है। और अभी अब्दुल, क्या आपके पास जानकारी है कि कितने ऐसे घायल हैं जो गंभीर अवस्था में? हरदा से जो रेफर किए गए थे ऐसे 40 घायल हैं जिनका अभी इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद के नर्मदापुरम के नर्मदा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसे 40 गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। ये 8 वर्षीय बालक जो है फैक्ट्री के पास घर के आंगन में खेल रहा था और एक बड़ा पत्थर आके इसके सिर पे लगा था। सिर पे लगने के बाद जो है ये वहीं पर मौके पर बेहोश हो गया था। इसे SDRF की टीम ने जिला अस्पताल लाए थे। जिला अस्पताल में इलाज के बाद इसको नर्मदापुरम के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। वहां पर गंभीर हालत को देखते हुए इसे भोपाल रेफर किया गया था। भोपाल रेफर करने के बाद ये बालक कोमा में आ गया था और आज इसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बिल्कुल, ये तस्वीर एकदम हृदय विदारक। जो ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें लिखा है कि आई लव यू मॉम और डैड। और 8 साल की दुखद मौत हुई है इस बच्चे की। और अभी भी क्या ये आशंका जताई जा रही है अब्दुल की मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है? और जो 40 गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज है उनका क्या हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी होगा? वो इस बारे में जो है आज शाम तक पता लग पाएगा कि 40 जो घायल गंभीर अवस्था में इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद में एडमिट है उनकी क्या स्थिति है। इस बारे में जो है आज शाम तक है मेडिकल बुलेटिन जारी करके आज शाम तक जिला प्रशासन इस बात की जानकारी देगा। क्योंकि इस मामले में हरदा कलेक्टर और SP को पहले हटा दिया गया था और आज ही हरदा कलेक्टर के रूप में और SP के रूप में जो है दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। और SP और कलेक्टर ने अभी जो है हरदा में जो भीषण हादसा हुआ था वो घटनास्थल का दौरा किया है और अधिकारियों को इस मामले में निर्देशित किया गया है कि घायलों का और जो परिवार घर से बेघर हो गए हैं जिनको राहत शिविरों में रखा गया है उनको हर संभव मदद की उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।